नमस्कार, आप गुजरात न्यूज में आपનું હાર્દિક સ્વાગત છે। पंचमहाल થી અમારા સંવાદદાતા વિજય સોલંકી જણાવે છે કે ખેડૂત ભાઈઓને પિયત માટે દિવસે વીજળી આપવાની રાજ્ય સરકારની क्रांतिकारी किसान सूर्योदय योजना ना बीजा तबक्का में पंचमहाल जिला ना विविध गामों आवरी लेवाया छे। आज श्रेणी में जिला ना शहरा तालुका ना गामों में योजना ना लोकार्पण नो कार्यक्रम शहरा ना धारासभ्य जेठाभाई भरवाड़ ना अध्यक्ष स्थाने अने पंचमहाल जिला सांसद रतनसिंह राठौर नी प्रेरक उपस्थिति में योजायो हतो। अतिथि विशेष पदे थी संबोधन करता पंचमहाल सांसद रतनसिंह राठौड़े जणाव्यु हतु कि केन्द्र में वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी नी सरकार अने राज्य में विजय रूपाणी की सरकार सतत खेडूतों माटे कृषि वधु ने वधु वर्तरदायक बने ते दिशा में पगला लई रही छे। दिवसे काम अने रात्रे आराम मळे ते कुदरती क्रम ने ध्याने राखीने खेडूतों की सतत चिंता करती सरकारे किसान सूर्योदय की योजना अमल में मूकी छे। खेडूतों माटे उपकारक एवी सात पगला खेडूत कल्याण योजना विषे बात करता सांसदश्रीए उमेर्यु हतु कि किसान सन्मान निधि योजना अंतर्गत सरकारे 9 करोड़ थी वधु खेडूतों खाता में 18,000 करोड़ थी वधुनी रकम जमा करावी छे, जे सरकार ने खेडूतोना विकास माटे प्रतिबद्धता सूचवे छे। कार्यक्रम में शहराना अग्रणी लोक प्रतिनिधिओ अंबालाल पटेल, मगनभाई पटेलिया, स्नेहाबेन शाह तेमज जिला कलेक्टर अमित अरोरा, इन्चार्ज जिला विकास अधिकारी एसके राठौर, शहरा प्रांत अधिकारी जयकुमार बारोट, मामलतदार मेहुल भरवाड़ तेमज एमजीवीसीएलना वरिष्ठ अधिकारी किसानों सोशल डिस्टन्स साथे उपस्थित रह्या हता। દિવસે વીજળી મળે, દિવસે ખેડૂતો વધુ ને વધુ સિંચાઈનો લાભ લે એવા યોજનાઓનો સંપૂર્ણપણે લાભ છેવાડાના ખેડૂત સુધી પહોંચે એવા શુભ આશયથી ગુજરાત રાજ્યની સરકારના મુખ્યમંત્રી સન્માનીય વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબે અને ગુજરાત રાજ્યના ઉર્જામંત્રી સૌરભભાઈ પટેલ સાહેબ અને રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા બાપુ દ્વારા ખેડૂતોની આવક સદંતર બમણી થાય એવા શુભ આશયથી આજે શહેરા મુકામે ઉદઘાટન થઈ રહ્યું છે ત્યારે આ યોજનાનો વધુ ને વધુ લાભ ખેડૂતો સુધી પહોંચે એવા શુભ આશયથી આજે ઉદઘાટન થયું છે। તો વોટ્સએપ, ટ્વિટર, ફેસબુક, ઇન્સ્ટા જહાં ભી આપકા અકાઉન્ટ હૈ ઇસે શેર બટન કે દ્વારા વહાં પર શેર કરે।